पहले आप इस घर में विराजमान हुए थे, आज आपके विसर्जन का समय है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी। विघ्नकर्ता हो ना, मुश्किलों को दूर करने वाले, आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल मेरे सामने खड़ी है। कसम है मुझे मेरे बच्चों की, जब तक मेरे जीवन से ये मुश्किल आप दूर नहीं कर देते, मैं आपका विसर्जन नहीं करूंगी, नहीं जाने दूंगी इस घर से, नहीं जाने दूंगी। ईद और गणेश चतुर्थी एक साथ आई, मतलब मुंह डबल मीठा। ये देखो, क्या शीर खुरमा भेजा है जुमंदर जी ने। वही जिसको तुमने फैशन शो मर्डर केस में बचाया था। वही है। और ये मोडक मोहित शर्मा जी, क्या वो ज्वेलरी मर्डर केस था ना, वही। यानी मेरे दोस्त मानव की मम्मी, तब तो जब मेरा भी हिस्सा है। वापस रख, वापस रख। केड़ी पाठक जी। जी माफ कीजिए, बिना टाइम लिए आपसे मिलने चली आई। दरअसल मैं बड़ी मुश्किल में हूँ साहब। ले, सबके साथ शेयर करके खा जा वहां बैठ। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं इन्हें प्रसाद खाने नहीं दूंगी। इस बिलमोरिया, आओ बच्चों, कम बैठो। बीजा बैठिए। बताइए कौन है आपके पति, कहाँ है वो? जी रविकांत, रविकांत विचारे अपनी खुद की टैक्सी चलाते हैं, लेकिन दो दिन से वो जेल में है मर्डर के केस में। सर यू कम मुंबई सही टाइम पे, नाउ इट्स गणेश उत्सव, हमारा सबसे प्यारा भगवान। भाई हाँ, इसलिए ही आया हूँ, गणेश उत्सव पंडाल का फोटो खींचने। अरे यू नो हिंदी? या भाई, ब्रिटिश फोटोग्राफर हूँ और लंदन डेली न्यूज पेपर लंदन टाइम्स के लिए भी काम करता हूँ, मैं हर साल आता हूँ। क्या बात है साहब, मतलब आप इतनी दूर से? बात तरीके ये नाकाबंदी, पुलिस? अरे टेंशन मत लो साहब, ये तो हर रोज का काम है, बस दो मिनट लगेगा। डर से ही चला जाता हूँ। ओके ये लो। लेकिन साहब कीप द चेंज, कीप द चेंज। रोक उसको, रोक पकड़। ए टैक्सी वाले साहब, आ गए घर? साहब घर जा रहे हैं साहब, कहाँ से देखा? रविकांत कहाँ भाग रहा था? साहब घर जा रहे हैं साहब। डिक्की खोल, डिक्की का ताला खराब है साहब, नहीं खुलता है। डिक्की खोल बोला ना। ठीक है साहब, चल खोल। हाँ,
पता नहीं कैसे आई मेरी डिक्की में। तो मर चुका है सर, मैंने ले मारा इसको। कहाँ लेके जा रहा था लाश? नहीं साहब, पता नहीं ये कैसे आया मेरी डिक्की में साहब। शिंदे, गिरफ्तार कर लो इसे। मैं समझा ही नहीं रवि, तुम कह रहे हो कि तुम उस आदमी को जानते भी नहीं, पर मुझे यकीन है कि तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर उसकी लाश तुम्हारी टैक्सी में कैसे आई? मेरे को पता नहीं साहब, आयशप्पा, मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मेरे को बचा लो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को बचा लो। हौसला रखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आप मेरे पास कैसे आ गई? किसने भेजा आपको? इन्होंने। रविकांत बिचारे, तो तुम्हारा कहना है कि 2 सितंबर को तुम्हारी टैक्सी MHO2JS393 में से जो लाश बरामद हुई उसके बारे में ना तो तुम जानते हो और ना ही तुमने उसे मारा, तो फिर वो लाश डिक्की में आई कहां से? क्या उसने अपने आप को मार डाला और फिर वो तुम्हारे टैक्सी के पास आया और अंदर जाकर छुप गया? नहीं, मैंने नहीं। फिर वो लाश डिक्की में आई कहां से? योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन के इस सवाल का जवाब रवि के पास नहीं होगा, क्योंकि ये 2400 घंटे अपनी टैक्सी के साथ तो रहता नहीं, तो इसकी गैर मौजूदगी में किसी ने वो लाश डिक्की में रखी है। रवि, तुमने आखिरी बार डिक्की कब खोली थी? सर, रोज की तरह मैं सुबह 9 बजे टैक्सी बाहर निकालने के पहले डिक्की खोली, चेक किया था साहब, अंदर कुछ नहीं था साहब। यानी कि 9 बजे के बाद किसी ने वो लाश? एक मिनट, सॉरी टू कट यू केडी, डिक्की खोली लेकिन तुमने तो पुलिस से कहा कि डिक्की का ताला खराब है, खुलती नहीं। पता नहीं, सुबह तो ठीक था पर दोपहर को खराब हो गया था। जाहिर है, क्योंकि दोपहर तक तुमने उसमें लाश रख दी थी। मिसेज उमा, उस आदमी की मौत कैसे हुई थी? जहर के असर से। चर्चा चर्चा, इस रुमाल को आर्सेनिक से बने ओडोलेस सॉल्यूशन में डुबाकर और इसे सुंघाने से उसकी मौत हुई। इस शीशी में वो जहर है। पुलिस को ये शीशी उस टैक्सी के ड्राइवर सीट के नीचे मिली, यानी कि कत्ल का हथियार। साहब, देवा शपथ, मुझे नहीं पता, ये शीशी मेरे सीट के नीचे कैसे आई? एंड योर ऑनर, इस शीशी और रुमाल दोनों पर रवि की उंगलियों के निशान मौजूद नहीं है। जाहिर है, शीशी पर से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए हैं और कपड़े पर निशान आते नहीं। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए केडी पाठक। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? मसलन कौन था वो, क्या नाम पता कुछ? जी जज साहब, मरहूम का नाम दिवाकर चोपड़ा है, दिल्ली का ड्राई फ्रूट ट्रेडर है। ये पर्स उसके पैंट की जेब में मिला, लेकिन इसमें से पैसे गायब हैं। कितने पैसे थे इसमें? मैडम, मुझे नहीं पता। क्या कह रहे हो, सोने की चेन और घड़ी तो तुमने चुरा ली और पैसे छोड़ दिए? जत्था, ये सोने की चेन और ये घड़ी रवि की टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में मिले और इन पर मरहूम दिवाकर चोपड़ा की उंगलियों के निशान हैं। जाहिर है, ये चीजें उसी की है और इनका उसके ग्लव कंपार्टमेंट में होना, यानी रवि ने ही इन चीजों को चुरा कर बाहर रख दिया। कत्ल से पहले या कत्ल के बाद? माँ बाप, मेरे को नहीं पता, ये चैन, ये घड़ी। तुम्हें पता क्या है रवि,
हाँ? इतना तो पता है ना कि तुम्हें अदालत किस लिए लाया गया है? या नहीं पता? नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें लालच आ गया और तुमने अपने निहत्ते पैसेंजर को मारकर उसे लूटा और उसकी लाश तुम ठिकाने लगाने ही जा रहे थे। I object, Your Honor. एक सोने की चेन और एक घड़ी के लिए रवि जैसा ईमानदार टैक्सी ड्राइवर अपनी बरसों की मेहनत, अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार को दांव पर नहीं लगाएगा। क्यों केडी? क्या इससे पहले कभी किसी टैक्सी ड्राइवर ने कोई जुर्म नहीं किया पैसों के लिए? जज साहब, आज से 12 साल पहले इसी अदालत में मैंने एक केस लड़ा था और जीता भी। केस नंबर 324/99 जगत राम तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां जगत नाम के टैक्सी ड्राइवर को उम्र कैद की सजा हुई थी क्योंकि उसने अपने पैसेंजर के साथ लड़ाई करके उसे छुरा मारा था। कत्ल की वजह 20 रुपए का छुट्टा नहीं था टैक्सी वाले के पास। 20 रुपए, जब 20 रुपए के लिए एक टैक्सी ड्राइवर अपनी रोजी रोटी कत्ल करके दांव पर लगा सकता है, वहां ये घड़ी और सोने की चेन कम से कम 2.5 लाख की होंगी। Silence in the court, please. 2.5 लाख जो उस कर्जे की रकम है जो रविकांत ने अपनी खोली के लिए ली है। एक, नाकाबंदी से भागना। दो, टैक्सी से लाश का मिलना। तीन, टैक्सी से कत्ल का औजार मिलना। चार, चोरी की घड़ी और सोने की चेन। पांच, कर्जे की रकम। इन पांच उंगलियों को मिलाकर बनती है मेरे 23 साल के प्रोसिक्यूशन की मुट्ठी, जो केडी पाठक जैसे होनहार लेकिन जूनियर लॉयर भी नहीं बन सकते, लेकिन जूनियर लॉयर भी नहीं बन सकते। प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ही मजबूत है केडी। मजबूत है योर ऑनर, लेकिन अटूट नहीं। और उसकी वजह यह है कि इस जुर्म का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। जाहिर सी बात है कि किसी ने यह कत्ल किया और उसके बाद लाश को रवि की टैक्सी की डिक्की में छुपाया। किसने? यही तो पता लगाना है यार। योर ऑनर, उस दिन सवेरे 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रविकांत की टैक्सी में 3 लोगों ने सवारी की। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहता हूं ताकि वो इस केस पे रोशनी डाल सके। क्या तीनों विटनेस मौजूद हैं? अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 लोगों का पता चल पाया है, तीसरा भी लापता है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रविकांत के उस दिन की पहली पैसेंजर को, जिन्होंने अंधेरी से बैंड्रा कुर्ला तक टैक्सी ली, मिस सविता झाला। साहब, यही लड़की थी साहब। उस दिन मैं टैक्सी को साइड में पार्क करके होटल में चाय पीने गया था। 10 बजे का टाइम था साहब। बाहर आके देखा तो मैडम टैक्सी के पास खड़ी थी, बहुत घबराई हुई थी साहब। वो टैक्सी में बैठी और फिर सांता क्रूज में उसका दोस्त भी टैक्सी में आके बैठ गया। फिर दोनों के बीच पता नहीं अंग्रेजी में कुछ बड़ा बहस हुआ साहब। फिर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पे मैडम गुस्से से उतर गई साहब टैक्सी से, उसका दोस्त भी उसके बाद उतरा। हाँ तो मिस झाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको याद है वो उस टैक्सी की डिक्की खुली हुई थी उस समय? कौन सी टैक्सी, कैसी डिक्की, और मैं इसकी टैक्सी में कब बैठी? या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर इसे कोई गलत फहमी हुई है, मे बी कोई और लड़की हो। ओ मैडम, क्या बोल रहे हैं आप? आप ही थी, आप ही टैक्सी के डिक्की के पास खड़ी थी बैग लेकर। साहब इसी ने उसको लाश को डिक्की में डाला होगा साहब। अरे ये क्या बोल रहे हो, ना मैंने तुम्हें कभी देखा है और ना ही तुम्हारी टैक्सी को। मिस जाला, क्या आप जानना चाहेंगे कि हमने आपके बारे में पता कैसे लगाया? रवि के बयान के मुताबिक उसने अंधेरी के रत्नाकर कॉलोनी से सवारी ली
और बैंड्रा कुर्ला के मैक्स इंडिया बैंक बिल्डिंग के सामने सवारी को उतार दिया। हमने अंदाजा लगाया कि शायद वो सवारी मैक्स इंडिया बैंक में काम करती होंगी, तो वहां के कर्मचारियों से बात करने के बाद हमें पता चला कि उनकी एक ही मुलाजिम अंधेरे की रत्नाकर कॉलोनी में रहती है, जिनका नाम मिस सविता छाला है, यानी कि आप। तो उससे क्या साबित होता है? और वैसे भी उस दिन मैं ऑफिस टैक्सी से नहीं, बस से गई थी। बस से? जी हाँ। अजीब, ये कैसे हो गया? क्योंकि मिस झाला मैक्स इंडिया बैंक बिल्डिंग के गेट से घुसते हुए गाड़ी का नंबर सिक्योरिटी गार्ड में लिखा था, ये देखिए MHO2JS393, जो किसी बस का नहीं रविकांत की टैक्सी का नंबर है। और हम सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान भी दिया है कि उसने आपको इनकी टैक्सी से उतरते हुए देखा एक बैग समेत, और आपके पीछे पीछे आपके कोई पुरुष मित्र भी उतरे थे बैग समेत। वैसे कौन थे वो मित्र आपके? क्या क्या संबंध है आप दोनों के भी? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए अदालत को इन बातों से क्या मतलब। ये बताइए कि वो जो बैग्स आप दोनों के पास थी, क्या था उनमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का जाती सामान था उसमें और आप दोनों एक दूसरे के साथ भागना चाहते थे? नहीं नहीं, मैं भागी नहीं, मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैंने आमोद को भी समझाया कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और हमारे बीच लड़ाई भी हुई, इसलिए मैं भागने के बदले ऑफिस उतर गई। घबरा मत सरिता, तुम अदालत में इसलिए झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले इस बात को जाने कि तुम उस लड़के के साथ घर से भागने की सोच रही थी। ये भी हो सकता है कि तुम अदालत में इसलिए झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम ऐसी टैक्सी में बैठी थी जिसकी डिक्की में लाश पड़ी हुई थी, जिस लाश को शायद आप ही ने। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता कि उस टैक्सी में लाश है, और ना ही आमोद को। तो फिर एक बात बताइए मिस झाला, आप और आपके जो मित्र हैं मिस्टर आमोद, ये जो भारी भारी बैग्स आपके साथ थे टैक्सी की डिक्की में रखने के बजाय, जैसे कि आमतौर पे सब करते हैं, आपने बैग्स अपने साथ टैक्सी के अंदर रखे, क्यों? कोई खास वजह? जी, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब शायद ये है मिस झाला कि आप जानती थी कि उस टैक्सी की डिक्की में लाश है जो शायद आपने या आपके मित्र आमोद ने वहां रखी। योर ऑनर, अंधेरे ईस्ट के रत्नाकर कॉलोनी जहाँ से सविता बैठी और सैंटाक्रू स्टेशन जहाँ आमोद बैठे, दोनों ही बहुत बिजी एरिया से। जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है एक भारी सी लाश ढोकर कोई डिक्की में रखे और किसी को पता भी ना चले? मैं प्रोसिक्यूशन की बात से सहमत हूँ, मिस सविता के घबराहट उनकी जाति कारणों से होगी। लाश अगर टैक्सी में आई होगी तो इस सवारी के बाद। तुम्हारे पास कोई और गवाह है केडी? यस योर ऑनर, रविकांत की अगली सवारी जो टैक्सी में अपना सेलफोन भूल गए थे, जिसके जरिए हमने उनको ट्रेस किया, मिस्टर अभिज्ञान रोहरा। मुझे मालूम था, मुझे तेरी तो टैक्सी का नंबर देखते ही मुझे डाउट हो गया था। ये साली पनौती है मेरे लिए, पूरा दिन खराब हो गया तेरे चक्कर में, ऊपर से तूने मेरा मोबाइल भी चुरा लिया, और अब यहाँ खड़ा हूँ मैं कटघरे में तेरी वजह से। मिस्टर रोहरा, आपके इस रीकैप के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। चलिए अब ये बताइए कि आपने रविकांत की टैक्सी कब पकड़ी, कहां से कहां तक? क्या कब और कहां तक के लिए वकील साहब, 12:30 बजे का टाइम था, मैंने इसकी टैक्सी बैंड्रा रेक्लेमेशन से पकड़ी और इसे कहा कि मुझे वाशी जाना है नवी मुंबई। क्यों वाशी? मतलब क्या वकील साहब? अरे भाई, मेरी फैक्ट्री है वहां पर। तो फिर आप तकरीबन 1 बजे बीच रास्ते में, यानी कि साइन में उतर गए? क्यों उतर गए?
उतरा नहीं वकील साहब, सायन पर ही इसकी खटारा टैक्सी का टायर पंचर हो गया। अब मैं क्या इसके पंचर चिपकाने का इंतजार करता, मैंने तो इसे आधे पैसे दिए और इससे जान छुड़ा ली। मिस्टर रोहरा, पूरी ड्राइव में आपको टैक्सी की डिक्की में से कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, आवाज तो आई। बल्कि इसकी खटारा टैक्सी के तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी मुझे। अरे अंजर पंजर ढीले हो गए इसके खटारा के, इसलिए मैं तो खुशी खुशी जान छुड़ा ली। और इसी खुशी में आपका सेल फोन, आपका मोबाइल फोन जो है वो टैक्सी की सीट पर ही रह गया। हाँ, और इसने मेरा फोन मुझे लौटाया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ वकील साहब, जो आपका मुझे फोन आ गया और मेरा सेल मुझे वापस मिल गया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। रविकांत बिचारे का फोन वापस ना करना बेईमानी की निशानी है। मैडम, मैंने फोन को देखा तक नहीं। ताई शपथ। एक बात बताइए मिस्टर रोहरा, आप तो टैक्सी की बैक सीट पर बैठे थे। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस को आपका फोन टैक्सी की फ्रंट सीट पर से मिला? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सीट के ऊपर ऐसे झुके थे आगे की तरफ ग्लव बॉक्स तक पहुंचने के लिए? मिस्टर पाठक, फोन आगे की सीट पर इसलिए था क्योंकि रविकांत ने उसे अपने पास रखा था। हाँ, इसी ने रख लिया होगा, चोर कहीं का, और अब तो खूनी भी। रविकांत ने खून किया, घड़ी चुराई, चेन चुराई, मोबाइल चुराया। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मिस्टर रोहरा, ये कमर में पट्टा, क्या आपके कमर में प्रॉब्लम है? नहीं, गर्दन में प्रॉब्लम है। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर रोहरा, सवाल का जवाब सीधे तरीके से दीजिए। जज साहब, मालिक, अगर मैंने पट्टा कमर में बांधा है तो तकलीफ भी कमर में ही होगी ना। नहीं, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। देख चुके हैं फिर, और उनमें यही लिखा है कि मिस्टर रोहरा ना तो झुक सकते हैं और ना ही भारी बोझ उठा सकते हैं। फिर मिस्टर रोहरा, आपने दिवाकर चोपड़ा की 80 किलो की भारी लाश उठाई कैसे? ये क्या कह रही हैं आप, ये तो मुझसे नामुमकिन है। एग्जैक्टली जज साहब, मिस्टर रोहरा का डिक्की में लाश रखना नामुमकिन है। लाश तो सुबह से ही डिक्की में मौजूद थी। साइलेंस। और इस बात को साबित करने के लिए कि सिर्फ रविकांत बेचारे जानते थे कि गाड़ी की डिक्की में लाश है, मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहती हूँ। गजानन नाइक। नमस्ते माय बाप। योर ऑनर, ये वही मैकेनिक है जिसने रविकांत के टैक्सी का टायर ठीक किया, राइट गजानन? जी। घबराओ मत, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो टायर तुमने कब और कहाँ ठीक किया। जी सर। मैडम। जी माफ करिए मैडम, मेरी अपनी पंचर की दुकान है, विनायक टायर शॉप के नाम से, जो साइन में गणेश मंदिर के पास है। यादमी मेरी शॉप में अपनी टैक्सी लेके आया, उसके टैक्सी का पिछला टायर पंचर था। वो पंचर टायर लेकर तुम्हारे पास आया? जक्सा, नॉर्मली जब टायर पंचर होता है तो सबसे पहले डिक्की खोली जाती है और फिर स्टेपनी को निकालकर उस पंचर टायर की जगह फिट किया जाता है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया रविकांत? मुझे लगा
बस 2 मिनट में पंक्चर वाला है, तो इसके लिए मैं मगजमारी क्यों करूं? या फिर इसलिए क्योंकि तुम डिक्की नहीं खोलना चाहते थे। तुम जानते थे कि टैक्सी की डिक्की में लाश है। गजानन, जाहिर है तुमने तो डिक्की खोली होगी जैक निकालने के लिए। नहीं नहीं मैडम, इसने मुझे रोक दिया। इसने कहा कि मेरी डिक्की का लॉक खराब है, खुलेगा नहीं। तो फिर मैंने अपने जैक से गाड़ी को ऊपर उठाया। इसने तुम्हें भी डिक्की खोलने नहीं दी? माय बाप, मेरा यकीन कीजिए, वो लॉक पहले से ही खराब था। तुम्हारा नसीब खराब है रविकांत, जो तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया। ना तो तुमने खुद डिक्की खोली, ना किसी को खोलने दी, क्योंकि तुम जानते थे कि उस डिक्की में लाश है। नहीं, मुझे नहीं पता था। तो फिर वो लाश आई कहां से? जादू से? बताओ रविकांत, लाश आई कहां से? काम डाउन मिसेस दीक्षित, काम डाउन। योर ऑनर, रविकांत ने हमें बताया कि उस दिन इसकी टैक्सी में 3 लोगों ने सवारी की। तीसरा एक अंग्रेज, जब इसकी टैक्सी तक आया तब ये होटल में खाना खा रहा था। टैक्सी के आसपास कोई नहीं था। उस अंग्रेज का कुछ अता पता है तुम्हारे पास? योर ऑनर, टैक्सी में बैठने से पहले कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता, उसे कैसे तलाश करूं? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है केडी। या तो उस आदमी को ट्रेस करके इस कत्ल से जोड़ना होगा तुम्हें, या फिर इसमें हार माननी होगी। घबरा मत केडी, अपने सीनियर से हारने में कोई शर्म की बात। योर ऑनर, लाश की तहकीकात के बाद पुलिस को एक नया एविडेंस मिला है। उस आदमी का नाम दिवाकर चोपड़ा नहीं बल्कि मनु नागपाल है। साइलेंस। मनु नागपाल जो एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसकी पुलिस को ड्रग स्मगलिंग के 9 अलग अलग केसेस में तलाश थी। ड्रग स्मगलिंग? जी हाँ योर ऑनर, ये इसका पुराना हथकंडा था। अक्सर टैक्सियों में ड्रग स्मगल करके एक सिटी लिमिट से दूसरी लिमिट तक ले जाना। पुलिस को आरटीओ की मदद से ऐसी 5 टैक्सियों के नंबर मिले हैं। उनमें से एक टैक्सी का नंबर है MH02J393। रवि विचारे की टैक्सी। साइलेंस। ओह माय गॉड, ये तो नया कनेक्शन है। अब समझ में आ गया, वो बॉस तुम मुलाजिम, जरूर कमीशन को लेकर झड़प हुई होगी। नहीं साहब, मैडम ये टैक्सी मैंने 2 महीने पहले किसी दूसरे से खरीदी थी। अब तो तुम दोनों तरफ से फंस गए हो रविकांत, एक तरफ मर्डर तो दूसरी तरफ ड्रग्स स्मगलिंग। योर ऑनर, इस नए एविडेंस ने इस केस पर नई रोशनी डाली है। एक ड्रग स्मगलर के हजारों दुश्मन हो सकते हैं, कोई भी मार सकता था मनु नागपाल को। मैं चाहता हूं कि इस केस की छानबीन करने के लिए मुझे थोड़ा और समय दिया जाए। हो सकता है कि इस दौरान मैं उस अंग्रेज को भी ढूंढ निकालूं। ठीक है, यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। The court is adjourned for the day. मानसी, तू मेरी बात मान, सिद्ध मत कर, गणपति महाराज का विसर्जन कर दे। नहीं, जब तक वे मेरा विघ्न दूर नहीं करते मैं विसर्जन नहीं करूंगी। अब ये मेरे भगवान की परीक्षा है। गणेश जी के साथ साथ ये मेरी भी परीक्षा है। पुरुण नगर में ये केस हार गया तो मानसी का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। केडी सर, जितना मैंने इस केस को स्टडी किया मेरा पूरा डाउट उस अंग्रेज पर है।
वो पुलिस को देखकर ऐसे भागा था जैसे गाय के सर से सींग। आई एम वेरी श्योर उसी ने उस लाश को टैक्सी में डाला होगा। लेकिन एक अंग्रेज टूरिस्ट को इस शहर में ढूंढेंगे कैसे, ये भी पता नहीं कि शहर में होगा या नहीं। रवि ने क्या कहा था वो भाई ब्रिटिश फोटोग्राफर हूँ और लंदन डेली न्यूज पेपर लंदन टाइम्स के लिए भी काम करता हूँ। फोटोग्राफर अभी तक तो छप गई होगी वो तस्वीरें। मिल गया ये देख लंदन टाइम्स फोटोग्राफर का नाम जावेद स्मिथ। तो एक काम कर इनके लंदन ऑफिस फोन कर और पता लगा कि ये गोरा इस वक्त मुंबई में कहाँ होगा। राइट सर। योर ऑनर मिस्टर जावेद स्मिथ एक ब्रिटिश फोटोग्राफर है और इस केस की आखिरी कड़ी रविकांत के टैक्सी की उस दिन की आखिरी सवारी। तो मिस्टर स्मिथ हाउ इज़ योर हिंदी, हिंदी बोल लेते हैं आप? नो आई डोंट नो हिंदी एट ऑल। फिर तो योर ऑनर इन्हें फांसी का फरमान इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाना पड़ेगा। फांसी? मैंने कुछ नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ आपने कुछ नहीं किया लेकिन बड़ी तेजी से 30 सेकंड में आप हिंदी सीख गए। क्या माइंड है आपका। अब जरा इस माइंड को रिवाइंड करिए और बताइए कि उस दिन रविकांत की टैक्सी से पुलिस को देखकर नाकाबंदी को देखकर आप घबरा कर उतर गए थे, क्या कारण था उसका? नहीं, मुझे लेट हो रहा था तो मैं वहां से पैदल गया। आपका ये बैकपैक पुलिस ने आपके होटल रूम से बरामद किया तो उसके पॉकेट से कुछ बू आ रही थी और लैब टेस्टिंग से पता चला है योर ऑनर की वो बदबू चरस की थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस यू आर राइट, मेरे बैग में चरस था। साइलेंस। और मैं पुलिस को देखकर सोचा कि वो उसको सर्च करेगा तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। मिस्टर स्मिथ के बैग में से ड्रग्स बरामद हुए। मनु नागपाल भी एक ड्रग डीलर था और मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल इस ड्रग कनेक्शन के वजह से ही हुआ है। योर विटनेस। नो आई स्वेयर मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। डोंट वरी मिस्टर स्मिथ, मुझे आप पर पूरा यकीन है और बहुत जल्द अदालत को भी होगा। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तहत मनु नागपाल की मौत दोपहर के 1:30 और 2:30 बजे के बीच हुई और मिस्टर स्मिथ उस टैक्सी में लगभग 3 बजे के करीब बैठे। 3 ही बजे थे ना? हाँ लगभग 3 बजे। देर यू आर केडी, आपकी ही दलील आपके खिलाफ। इस हिसाब से मनु नागपाल और मिस्टर स्मिथ सहयोगी नहीं हो सकते। सो योर ऑनर, उस दिन रविकांत की टैक्सी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 6 लोग बैठे। 1 सविता झाला, 2 अमोद, 3 अभिज्ञान रोरा, 4 मिस्टर जेरी स्मिथ, 5 ड्राइवर रविकांत बिचारे एंड ऑफ कोर्स डिक्की में मरहूम मनु नागपाल। इनमें से पहले 4 पर तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर बचा कौन? मनु नागपाल जिसका कत्ल हुआ और उसका कातिल रविकांत विचारे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। भगवान जी अब आप ही कुछ कीजिए वरना आपके भक्त को बचाना तो। चाबी इंस्पेक्टर दवे, चाबी।
टिक्की की है, बड़ी मुश्किल से खुलती है। चेक करते हैं। यहाँ पर रवि की गाड़ी ठीक हुई। ये गणपति बप्पा मोरया। अरे भाई सुनो, तुम वही हो ना जिसने वो टैक्सी ड्राइवर रवि बेचारे के केस में गवाही दी थी? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता सर? इतना घबरा क्यों रहे? यहाँ सब अपन पुलिस को कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता सर। समझ सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम, अब जल्दी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, चल। हेलो सर। तो ये है फसाद की जड़, एक कील। आप तो लगी हो साथ कि आपके टायर से एक कील मिला साहब। जो रवि है ना टैक्सी वाला, उसके टायर से चार कीलें मिली साहब। चार कील? वो भी एकदम नई। चार कील एक साथ, वो भी नई। गणपति बप्पा लव यू। Your Honor, ये कुछ तस्वीरें हैं रविकांत के टैक्सी के डिक्की के अंदर के हिस्से की, जहां लगे हुए खरोचों से साफ जाहिर होता है कि किसी ने डिक्की को अंदर से खोलने की कोशिश की थी इस स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करके। जिस पर मनु नागपाल की उंगलियों के निशान है। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ यार ऑनर की मनु नागपाल जब उस डिक्की में घुसा तब वो जिंदा था, मुर्दा नहीं। और एक पॉइंट पर उसने डिक्की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर के शोर के कारण रविकांत उसकी आवाज को सुन नहीं पाया। अब सवाल यह है योर ऑनर कि मनु नागपाल उस डिक्की में घुसा क्यों? वो शहर छोड़कर भागना चाहता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सी से बेहतर सवारी और क्या हो सकती है? तो मनु ने खुद टैक्सी रोकी, रविकांत से कहा कि टैक्सी की डिक्की खोलो, मुझे उसमें छुपना है। मिस्टर दीक्षित, पूरी बात समझने के लिए पूरी बात सुन लेनी चाहिए। योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मन्नू का कोई साथी था जिसने टैक्सी में बैठने से पहले रवि को बातों में उलझाया, और मन्नू को समय मिला कि वो डिक्की का ताला तोड़ के उसके अंदर जाकर छिप जाए। अब ये भी बताओ कि वो साथी कौन था? जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूटर साहिबा, कि उस दिन रवि की टैक्सी में जिन लोगों ने सवारी की थी उन्हीं में से ही कोई एक होगा। तो तुम्हारा कहना है कि मनु शहर से भागने के लिए रविकांत की टैक्सी की डिक्की में छुपा, फिर उसने रुमाल लिया अपने चेहरे पर लगाया और अपने आप को मारने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपकी आधी बात सच है और आधी बात गलत। हाँ, मनु ने खुद अपने चेहरे पर रुमाल लगाया था। उसका कारण यह है योर ऑनर कि मनु को धूल से एलर्जी थी, और डिक्की में धूल से बचने के लिए उसने ऐसा किया था, यह जाने बिना कि उसके साथी ने पहले से ही वो रुमाल जहरीले सॉल्यूशन में डुबो दिया। थियोरी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। साबित कैसे करोगे? साबित करूंगा, और साबित करने के लिए योर ऑनर मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा विनायक टायर सर्विस के गजानंद नायक को। गजानंद, रवि के टैक्सी का टायर कैसे पंक्चर हुआ था? सब चार कीलें उसमें घुसी हुई थी, एकदम नई। चार नई कील चमकती हुई ऐसी? हाँ सर, वैसे कील है। कितने साल से पंक्चर बना रहे हो? 9 साल से सर। और अपने 9 साल के तजुर्बे में आपने कितनी बार देखा है कि ऐसी चार नई चमकती हुई कील के कारण टायर पंक्चर हुआ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। आपने कभी नहीं देखा? उसका कारण यह है योर ऑनर, क्योंकि वो चार कील रस्ते पे पड़ी हुई नहीं थी, रस्ते पर डाली गई थी।
किसी ने बड़ी शातिरता से रवि की टैक्सी में बैठने से पहले वो कील टायर के सामने डाली थी। गजानन, कौन से टायर में पंक्चर था? साहब, ड्राइवर के पीछे का राइट साइड। ड्राइवर के पीछे का राइट साइड। तो क्या अगर मैं ये कहूं कि किसी ने टैक्सी में बैठने से पहले वो कील नीचे डाल दी होगी तो क्या तुम मेरी बात से सहमत होगी? हाँ सर। कितने बजे तुमने ये पंक्चर बनाया? करीब 1 बजे का टाइम था साहब। और तुम्हारे 9 साल के तजुर्बे में अगर ऐसी 4 कील के साथ पंक्चर हुआ हो तो पूरा हवा निकलने में यानी कि फुल से फ्लैट होने में कितना समय लगता है? सब कील 4 थे, वो भी छोटे छोटे, तो मेरे हिसाब से आधे से पौन घंटे लगने चाहिए साहब। आधे से पौन घंटा, यानी कि अगर बैक ट्रैक करे योर ऑनर तो 12:15, और 12:15 बजे मिस्टर अभिज्ञान रोहरा रवि की टैक्सी में बैठे थे। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्या आपका कहने का मतलब है कि मैंने ही कील फेंक कर टायर पंचर कर दिया? जी हाँ मिस्टर रोहरा, ताकि जब टैक्सी ड्राइवर पंक्चर देखने के लिए उतरे तो आपको समय मिले वो घड़ी और वो चेन ग्लव कंपार्टमेंट में छुपाने का। वकील साहब, मैंने तो खुद वाशी जाने के लिए वो टैक्सी पकड़ी थी, मैं खुद अपनी टैक्सी का टायर पंचर कर दूंगा। वो इसलिए मिस्टर रोहरा ताकि आपको भागने का मौका मिले, अपने मरते हुए साथी की लाश से दूर, और इल्जाम टैक्सी ड्राइवर पर आए। मन्नू नागपाल, मेरा दोस्त, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि आप ही थे जिसने वाशी तक वो टैक्सी हायर की थी, और आप जानते थे कि मन्नू को मुंबई में ढूंढा जा रहा है, नवी मुंबई में नहीं। देखिए, मेरा और मन्नू नागपाल का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जा रहा था अपने जूतों की फैक्ट्री में जो वाशी में है। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पता कर सकते हैं। पूछा हमने, और आपके स्टाफ का साइंड स्टेटमेंट है जज साहब की टेबल पर, जो ये कहता है कि आप उस दिन अपने फैक्ट्री गए ही नहीं। अब नहीं, एक्चुअली जज साहब वो देखिए मिस्टर रोहरा, वो जो कील जिससे पंक्चर हुए थे वो कील जूते बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कील आपकी फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं मिस्टर रोहरा। आपका खेल खत्म हो गया, आप जुर्म कबूल करते हैं या मैं जज साहब को वो तस्वीरें दिखाऊं? मैं आपसे कितनी बार कहूं कि मैं उसे नहीं जानता था। आप मनु नागपाल को नहीं जानते? जी नहीं, कभी नहीं मिले? नहीं। ये कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर, मिस्टर रोहरा और मिस्टर मनु नागपाल की एक साथ में ड्रिंक लेते हुए। क्या आप भी आप कहेंगे मिस्टर रोहरा कि आप मनु नागपाल को नहीं जानते, आपकी उनके साथ दोस्ती नहीं थी, आपने उन्हें नहीं मारा? हाँ, मैंने ही मन्नू नागपाल का फोन किया है। लेकिन मनु नागपाल और रोहरा की तस्वीरें कहाँ हैं? माफ करिएगा योर ऑनर, मुझे ये छोटा सा झूठ तो रोहरा के बयान के लिए इकबाल जुर्म के लिए बोलना पड़ा। बताइए अदालत को कि आपने मनु नागपाल को क्यों मारा? मनु नागपाल एक ड्रग स्मगलर था और मैं उसके इस धंधे में उसके बराबरी का पार्टनर। मेरे मन में लालच जागा, मैंने चाहा कि मैं वो पूरा का पूरा बिजनेस अकेला हथिया लूं। मैंने मन्नू नागपाल को मारने का फैसला किया। मैंने एक प्लान बनाया, जिस गाड़ी से हम लोग जाने वाले थे उस गाड़ी को मैंने खराब कर दिया, और मैंने उससे कहा कि टैक्सी से चलते हैं। बांद्रा के एक सुनसान रास्ते पर मैंने इसकी टैक्सी रोकी और इसके साथ वाशी तक के पैसों को लेकर बहस में लग गया। इसी बहस का फायदा उठाकर
मन्नू ने इसकी टैक्सी की डिक्की चक्कू से खोली और उसमें छुप गया मेरा दिया हुआ जहरीला रुमाल लेकर। और टैक्सी में बैठने से पहले मैंने इसकी टैक्सी के टायर के सामने चालाकी से कीले फेंक दी। मुझे पता था कि थोड़ी ही देर के बाद रुमाल का जहर असर करके मन्नू नागपाल को मार डालेगा और तकरीबन उतनी ही देर में टैक्सी का टायर भी पंचर हो जाएगा। और जैसे ही टैक्सी का टायर पंचर हुआ मैंने इसे टायर चेक करने के लिए बाहर भेजा। मौका पाते ही मैंने मन्नू नागपाल की गोल्ड चेन और वॉलेट इसकी टैक्सी के ग्लव कंपार्टमेंट में डाल दी और जहर की शीशी। मगर अफसोस ये सब करते समय मेरा मोबाइल इसकी टैक्सी में गिर गया। यह अदालत अभिज्ञान रोहरा को मनु नागपाल के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और रविकांत विचारे को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस किड। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो। अरे क्या हमारे लिए आप भगवान हो। ऐसा मत बोलिए नहीं तो वो मुझसे रूट जाएंगे। वैसे भी ये केस तो पापा ने ही सॉल्व किया है। पापा ने? वो कैसे? हाँ आप देखिए ना, मेरे असिस्टेंट की बाइक बिल्कुल गणेश मंदिर के सामने खराब हुई और सबसे अहम गवाह इस केस के गजानंद विनायक टायर सर्विस वाले। ये गणेश जी के दूसरे नाम ही है। आपकी प्रार्थना सफल हो गई इसीलिए तो उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.